तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने मिर्ज़ा के बारे में बताया, मिर्ज़ा क्या है, मिर्ज़ा किसे कहते हैं, मिर्ज़ा की बिगड़ जो जो ब्रिटेन हुआ है वो कैसे हुआ है, ठीक है, या संगठन जो हुआ है, अब हम जान लेते हैं कि मिर्ज़ा की संरचना कैसे होती है, ठीक है, स्ट्रक्चर, ठीक है, सॉइल स्ट्रक्चर जो होता है उसकी बनावट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो मिर्ज़ा के एकाकी कणों के पिंड के रूप में समूहन को मिर्ज़ा की संरचना कहा जाता है, मतलब एक एक कणों के रूप में जो मिर्ज़ा दिखती है उसी के समूहन को मिर्ज़ा की संरचना कहा जाता है। तो अर्थात मिट्टियों के कण आपस में पिंड के रूप में संगठित हो जाते हैं, मतलब छोटे छोटे जो कण होते हैं पिंड के रूप में, एक मान लीजिए बिखरा हुआ कण होते टूट जाते हैं, उसी को स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है। इन संगठित पिंडों को मिट्टी की संरचना कहते हैं। किसी भी मृदा में कई संरचना हो सकती है, मतलब किसी भी मृदा में कई प्रकार की संरचना हो सकती है, मिट्टी के कणों के कई पिंड हो सकते हैं, अलग अलग आकार के, अलग अलग स्ट्रक्चर के, इन पिंडों के चटकनों मतलब करे द्वारा एक दूसरे से अलगाव हो जाता है, जो मतलब चक्कर पड़ता है इसमें टूट जाते हैं, उनसे अलगाव हो जाता है पिंडों का। स्पष्ट है कि मृदा की संरचना वास्तव में मृदा का भौतिक गुण तथा कृषि के लिए इसका पर्याप्त महत्व होता है, ठीक है। जो जो क्रैक होता है यह भौतिक या रासायनिक रूप से रासायनिक रूप के कारण, तो इसका बहुत बड़ा महत्व होता है कृषि के लिए। तो जान लेते हैं क्यों होता है मृदा की संरचनात्मक इकाई। मृदा की वायु तथा जल धारण करने की क्षमता को प्रदर्शित करती है, जो इसकी संरचनात्मक जो संरचना हुई है उसी का कितना वायु कितना जल धारण करती है वो प्रदर्शित करती है, ठीक है। किसी भी स्ट्रक्चर या मान लीजिए बड़ा बॉडी है तो वायु और जल ज़्यादा धारण करेगा, और उसमें क्या गुणवत्ता है, क्या उसमें ताकत है, उसके हिसाब से वो जल या वायु को धारण करता है या अपने पोषक तत्वों का धारण करता है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा जो मृदा की संरचना है, मृदा में जैविक तथा खनिज तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। जो मृदा की संरचना है मृदा में जैविक तत्व खनिज तत्वों का एक अपना प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। मृदा की संरचना मिट्टियों में तीसरा जो है जल की क्षैतिज एवं लंबवत संचलन को निर्धारित नियंत्रित करती है। मृदा की बनावट होती है उसमें जल का क्षैतिज एवं लंबवत जो संचलन होता है, लंबी लंबवत रूप में जो चलती हैं, क्षैतिज रूप में जो जल उसमें चलती हैं, जो अवशोषित किया जाता है मृदा द्वारा, उसकी स्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसकी संरचना मृदा बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसको अवशोषित करने के लिए बहुत योगदान देती है। तो यह तीसरा और चौथा जान लेते हैं, यह मृदा की बनावट के हिसाब से उसमें उसकी क्या योगदान होता है हम जान रहे हैं, ठीक है। चौथा जान लेते हैं, ये मिट्टियों का अपरदन की प्रकृति तथा दर को निर्धारित करती है आदि, मतलब ये मिट्टी की जो अपरदन है अपरदन की प्रकृति तथा दर को निर्धारित करती है। जो मृदा की बनावट है वो उसका अपरदन दर और प्रकृति की अपरदन दर जो नेचर द्वारा किया जाता है अपरदन उसको निर्धारित करती है, जो स्ट्रक्चर बनावट है। मिट्टियों के कणों को प्राकृतिक एकाकी समूह या पिंड को पिंड कहते हैं, ठीक है। एकाकी समूह या पिंड को पिंड कहते हैं। मिट्टियों की जुताई के कारण उनके टूटने से प्राप्त कणों को समूह या पिंडों को क्लाड या ढेला कहते हैं, ठीक है। जो देखिए खेत में या ढेला बोला जाता है, नहीं तो उसको क्लाड बोला जाता है। मृदा की संरचना के प्रमुख गुणों को अंतर्गत पेड़ के आकार विस्तार तथा स्थायित्व को सम्मिलित किया जाता है एक पेड़ के आकार का, ठीक है। आकार की दृष्टि से पेड़ों को चार प्रकार में विभाजित मतलब चार प्रकार में बांटा गया, पहला प्लेटी पेड़, दूसरा प्रिज्मेटिक पेड़, तीसरा ब्लॉकी एवं कोणी पेड़। देखिए ये जो है मृदा का जो विघटन होता है जो टूटता है उसको चार प्रकारों में विभक्त किया जा रहा है। जो जुताई होती है उसका चार रूप होता है, जो ढेले होते हैं उनका चार रूप होता है, उसी को बांटा जा रहा है। तीन मैंने ब्लॉकी बता दिया, प्रिज्मेटिक बता दिया और प्लेटी बता दिया। चौथा गोली या दानेदार, ठीक है। मृदा की प्लेटी संरचना में फेड्स जो होता है पतलियों पतली पत्तियों के रूप में क्षैतिज अवस्था में रहते हैं, मतलब जो ये पेड़ पेड़ मैं सब इसकी ला रहा हूँ ये क्षैतिज अवस्था में होते हैं, बहुत पतले होते हैं इससे, मतलब वर्टिकल में बहुत पतले होते हैं, क्षैतिज अवस्था में क्षैतिज अवस्था होती है, ठीक है। ये अवस्था नहीं समझिएगा, ये अवस्था प्रिज्मेटिक संरचना में पेड़ों की स्थिति जो होती है स्तंभाकार, जो होती है प्रिज्मेटिक संरचना में पेड़ों की जो स्थिति होती है
मतलब जो पेड़ होते हैं प्रिज्मेटिक अवस्था में, दूसरा जो बताया आपको देखिए यहाँ पर प्रिज्मेटिक जो अवस्था होती है ठीक है, इसमें जो पेड़ों की स्थिति होती है, पेड़ नहीं समझ लीजिएगा कि जो वृक्ष होता है, ये नहीं इसमें नाम है पेड़ जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, एक पेड़ से एक अवस्था होती है जो क्षैतिज रूप में हमेशा होती है, जब जुताई या बुआई मृदा की होती है, जुताई होती है या खुदाई होती है, तो उसी का चार रूप होता है ठीक है, तो जो मृदा टूटता है उसका चार रूप होता है, तो उसी में हम आपको प्रिज्मेटिक संरचना में पेड़ों की जो मतलब पेड़ की अवस्था होती है, मृदा में पेड़ एक शब्द है जो मानव का अलग अलग नाम होता है, इसमें उस मृदा जुटाई होती है जब उससे कुछ अलग गुण प्राप्त होते हैं उस मृदा में, तो उसका नाम पेड़ या प्रिज्मेट पेड़ रखा जाता है, उसी पेड़ में प्रिज्मेटिक आता है ठीक है, प्रिज्मेटिक संरचना होती है ठीक है। तो प्रिज्मेटिक जो संरचना में पेड़ों की जो मतलब जो पेड़ होते हैं उनकी स्थिति जो होती है वो लंबवत होती है, मतलब खड़िया में होती है ठीक है, जो पेड़ होते हैं खड़िया होता है, हम सब क्षैतिज होते हैं लेकिन प्रिज्मेटिक जो अवस्था होती है मिट्टी की उसमें ये लंबवत होते हैं, या आपको कन्फर्म हो गया। ब्लॉकी संरचना में मतलब पेड़ की स्थिति झुकी होती है, मतलब झुकी होते हैं जो ब्लॉकी संरचना होती है, जबकि मृदा की गोली संरचना में पेड़ से जो होते हैं गोल गोल अवस्था में होते हैं, गोल गोल होते हैं ठीक है। पेड़ तथा एकाकी मोटे कणों वाले खनिजों के कारण खनिजों के चारों तरफ विभिन्न पदार्थ के लिए होते हैं, जो एकाकी मोटे कणों वाले होते हैं, देखिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखिए कोणी पेड़ तथा ब्लॉकी एकाकी जो मोटे वाले जो होते हैं उसमें ये जो पेड़ होते हैं वो चारों तरफ से विभिन्न पदार्थों का लेप होती है, उसमें जो पेड़ होते हैं तथा एकाकी मोटे कणों वाले खनिज के चारों तरफ से विभिन्न पदार्थों का लेप होती है ठीक है, ये जो पेड़ और एकाकी मोटे कणों वाले होते हैं, इस तरह के लेपों से युक्त पेड़ों पेड़ को कूटान कहते हैं, जो देखिए बहुत लेप वाले होते हैं ठीक है, और जो मृदा की बहुत लेप होती है जुताई के बाद से, और उसमें बहुत ज़्यादा कण होते हैं एटिलेप के रूप में होते हैं, इस तरह के जो लेप होते हैं ठीक है उनको उनको कूटान कहते हैं, कूटान जैसा उसका नाम है कूटान ठीक है। मृतिका लेप वाले पेड़ की मृतिका कूटान कहते हैं, जो मृतिका लेप जैसे होते हैं पेड़ उसको हम मृतिका कूटान कहते हैं, इसी तरह लौह ऑक्साइड कूटान, मैंगनीज ऑक्साइड कूटान, जैविक पदार्थ के लेप वाले कूटान आदि महत्वपूर्ण कूटान हैं, मृदा में इन पेड़ों तथा कूटानों का अत्यधिक महत्व होता है, इन्हीं पेड़ों के आधार पर मिट्टी का अध्ययन करने वाले विज्ञान को मृदा विज्ञान पेडालॉजी कहते हैं ठीक है। ये जो आकार बदल जाते हैं ठीक है, अब मैं आपको फिर से ये नहीं रिवाइज कराऊंगा, पेड़ जो क्या होता है ये कन्फर्म कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है मिट्टियों के कणों के प्राकृतिक एकाकी समूह पिंड को पेड़ कहते हैं, जैसे मिट्टियों का जो कण होते हैं उनके प्राकृतिक जो एकाकी समूह होता है, जैसे मान लीजिए कोई जुताई का ढेला है उसी को हम पेड़ कहते हैं ठीक है। अब ये जो पेड़ होते हैं उनका अलग अलग मतलब, अब ये पेड़ से ये जहाँ कण का जो मुंह हो हमारे ढेला हो पेड़ पेड़ के रूप में, तो यहाँ पर एक चीज़ है मैंने आपको बताया आकार की दृष्टि से पेड़ों का जो चार प्रकार की विभाजित होता है, मतलब कोई मिट्टी छोटा होता है, कोई मिट्टी बड़ा होता है, कोई बहुत बड़ा होता है ठीक है, उन्हीं के आकार की दृष्टि से जो पेड़ होते हैं मतलब जो एक संगठन होता है पेड़ संगठन को कहा जाता है, पिंड को पेड़ कराया जाता है ठीक है, तो उन संगठन का अलग अलग नाम पड़ा, मान लीजिए प्लेटी मतलब प्लेट के रूप में प्लेट मान लीजिए प्लेट खाना खाने प्लेट के रूप में चक्की रूप में थोड़ा दूसरे प्लेटी पेड़ कहा जाता है या पेड़ कहा जाता है, एक प्रिज्मेटिक होता है पेड़ होता है, एक ब्लॉक मतलब कोई ब्लॉक पड़ गया हो एक ब्लॉक जैसा मान लीजिए खूब बड़ा उभरा हुआ पत्थर ब्लॉक जैसा हो गया या कोड़ी जैसे चूक का ऐसा कोड़ जैसा नहीं होता है ढेला खेत में ढेला खेत में उसे हम कोड़ी पेड़ पेड़ कहते हैं, एक गोली या दानेदार पेड़ होता है, मतलब जो मृदा की अवस्था मतलब रूपरेखा अलग अलग स्ट्रक्चर में होती है उसी को हम लोग पेड्स कहते हैं, और उनका अलग अलग पेड्स का नाम है जो चार नाम बताया हूँ ठीक है। ये पेड्स बहुत आवश्यक होते हैं, इन चार रूप जो होता है ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई जो मानव है काला गोरा ठीक है बहुत भूरा, तो इनका अलग अलग क्षेत्र में विवाद कारण अलग अलग वातावरण कारण इनका रूप रेखा रूप रंग अलग होता है, इसी तरह इसमें पेड्स जो मिट्टी का जो होता है आकार प्रणाव
हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे बनावट के लिए, उसके हिसाब से उनका नाम पड़ा है, उसी नाम के हिसाब से हम लोग पैडोलॉजी जो होता है इसमें हम पैडोलॉजी कहते हैं मिट्टियों का अध्ययन के लिए मृदा विज्ञान में, या मृदा विज्ञान कह सकते हैं या पैडोलॉजी, इसी चार पेड़ों के आधार पर अध्ययन किया जाता है, इसके अंतर्गत आता है। इसी के आधार पर हम लोग जानते हैं कि मिट्टी में क्या उर्वरता पाई जाती है, ठीक है, किस किस पेड़ में या किस मिट्टी में, किस किस क्षेत्र की मिट्टी में ज़्यादा मृदा होती है या कम होती है, ठीक है। अभी आप कन्फर्म हो गए होंगे, ठीक है। तो यह था आपका आज का ये वीडियो जिसमें हमने बता दिया आपको, ठीक है, मृदा की संरचना, सॉइल स्ट्रक्चर जो होता है। अगले वीडियो हम जानेंगे कि मृदा के पास होता है मृदा संस्तर क्या होता है, ठीक है, जो लेयर होती है, ठीक है। तो मैं लोग यहाँ ख़त्म करता हूँ, आप अगले वीडियो में बताता हूँ कि मृदा की जो संस्तर होता है वो क्या होता है, ठीक है।